हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जैसमिन व्लॉग। आई होप यू फाइन। हम जिले यहाँ पर मैं अच्छी, तो यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का टाइम है, तो अभी यहाँ पर चल रही है प्रिपरेशन इडली सांभर की। तो बस मैं सांभर इसमें बना रही हूँ और इडली में इधर रेडी कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ मैं। माऊ लड़ रही है इलियाना से। तो मैंने ये इडली का बैटर बना लिया है, थोड़ा पतला बनाया क्योंकि जो सूजी है वो फूलती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर सीटी भी लगने वाली है। तो इडली को मैंने पूरे सांचे में डाल दिया है और थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है ताकि इक्वल से ही बने। और यहाँ पर सांभर बनके मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं ना किचन की फ्रिज की भी सफाई कर रही हूँ, तो बस मैं फ्रिज का सामान फ्रिज में रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी लीक हो रहा है फ्रिज में से थोड़ा थोड़ा करके, तो सब्जियाँ ख़राब हो जा रही है। तो इस तक मैं पूरा साफ करके रख रही हूँ मैं इसको, ताकि अच्छी तरह से पानी सोख के पूरा इसका, ताकि गीले नहीं हो सब्जी। तो यहाँ पर इडली और सांभर बन के रेडी हो चुके हैं और छाछ भी आ चुकी है। तो छाछ में मैं शुगर और थोड़ा सा सोल्ट डाल के मैं रेडी कर लेती हूँ। और ये जो नाश्ता है वो हेल्थी भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर सूजी रहती है और दही रहता है, और इस चक्कर में, और जो दाल रहती है वो दाल का पानी रहता है, और थोड़े बहुत टमाटर और केदार जो भी आपको पसंद है सब्जी वो डाल सकते हैं आप इसके अंदर में, तो बहुत ही टेस्टी बनाता ही है। तो बस मैं छाछ रेडी कर रही हूँ यहाँ पर, तो दे के आ जाती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ, उनको भी दे के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमने खाना वाना सब खा लिया है, नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। तो अब मैं पूरे किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ चुकी है और चिकनाई के निशान हो जाते हैं तेल के ऑयल के, तो बस वही मैं क्लीन कर रही हूँ। बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं धो रही हूँ। यहाँ पर सुल्तान आ चुका है, तो वो फरमाइश कर रहा है, आप सभी को पता है बच्चे तो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में फरमाइश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सुल्तान फरमाइश कर रहा है कि चूज़े लेके आओ उसके लिए। मैंने कहा तुम पल जाओ ना, वही बोलते कि चूज़े को ला के क्या करेगा यहाँ पर, तो चूज़े की जिद कर रहा है। मैं उसको बार बार मैं बाहर बैठा रही हूँ ले जा के। और पहले मैं पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आता है तो। और अब हम निकलने वाले हैं क्योंकि इलियाना का बर्थडे है, तो इसकी नानी ने बुलाया कॉल करके, तो वहाँ पर उन्होंने खाना वगैरह बना लिया है, तो इस वजह से तो केक की कटिंग वहीं कर लेंगे।
you're just one lost soul. You break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Hey, hey. Mat lana. तो मम्मी अब यहाँ पर बना रही है चिकन चिल्ली। तो यहाँ पर मम्मी ने है ना, मैं पूरी रेसिपी दे रही हूँ आपकी। यहाँ पर ऑयल डाल दिया है मम्मी ने, और फिर उसके बाद में जितने भी गरम मसाले होते हैं ना वो डाल दिए हैं, थोड़े बहुत कूट भी लिए हैं, वो बाद में डालेंगी। तो बस यहाँ पर ऑयल गरम करने का इंतज़ार देख रही हैं, तो अब डाल देंगी वो मसाले। तो ये मसाले उन्होंने डाल दिए हैं, तेज़पत्ता और गरम मसाला जो होता है वो डाल दिया है खड़ा। और इसके बाद मम्मी डालेंगी प्याज जो कि काट रखे हैं, चिल्ली चिकन के लिए अलग से कटते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे वाले काटने। तो ये वाले प्याज कटते हैं, तो मम्मी थोड़ी देर के लिए इसको ट्रांसपेरेंट होने तक चलाएंगी इसको, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देंगी गरम मसाला कुटा हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, मैंने ना मम्मी के हाथों का सेकंड टाइम खाया, बहुत टेस्टी। पहले पापा बनाते थे, अब मम्मी बना रही हैं। तो यहाँ पर अब मम्मी गरम मसाला डाल देंगी इसमें, ऐड कर देंगी। तो मम्मी ने क्या करा कि दूसरी कढ़ाई ली है, उसको गैस पे चढ़ा दिया था ऑयल डाल के, फिर उसके बाद में जो चिकन है वो इसके अंदर डाल दिया, उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि जो इसकी मतलब जो बदबू आती है वो मिट जाए ताकि। और मम्मी ने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है इस वाले में, मैंने सोचा उसमें डालेंगी बट इस वाले में डाला है उन्होंने गरम मसाला। तो अच्छे से चलाएंगी मम्मी, कम से कम 10-15 मिनट तक मम्मी ने चलाया था इसके अंदर, और फिर उसके बाद में उसमें डाल दिया था। तो बस जल्दी से इसको स्टर कर रही हूँ। तो मम्मी ने अब डाल दिया है इसके अंदर शिमला मिर्च, वो भी जैसे है ना प्याज कटी हुई थी वैसे के वैसे ही करके डाल दिया है। और यहाँ पर चिकन भी हो चुका है, अब चिकन भी मम्मी इसके अंदर ऐड कर देंगी। और यहाँ पर मम्मी ने क्या करा है, अदरक कूट के डाल दिए इसके अंदर और लहसुन कूट के डाल दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना वो पीस रही है लहसुन, तो बस वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर डाल दिया है ये चिकन, अब उस अच्छी तरह से चलाएंगी मम्मी, इसमें नमक डालेंगी और उसके बाद शायद इन्होंने सोया सॉस भी डाला था, और लाल मिर्च नहीं डलती है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक ये कैसा बना था। और मैंने थोड़ा सा चखने के लिए इसको निकाला, बहुत ही टेस्टी बना था। मम्मी ने हरा मिर्च भी डाली है इसके अंदर, खड़ी जो होती है ना वो डाली है इसके अंदर। इसके अंदर अब ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब ये बन चुका है। और